नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धन्यवाद दीपाली यादव जी, श्रीम जी, अर्चना ठाकुर जी, इला जी, दीपाली यादव जी, मैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सीरीज और हर चीज़ के प्रबंध आप लोगों के लिए करने में लगी हुई हूँ और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छा मैं अपने चैनल वगैरह को तैयार कर दूंगी। थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। आज हम बात करेंगे भट्ट केदार और मधुकर कवि की। इनका समय संवत 1224 और से 1243 के बीच में है, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में हमने पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का भी एक स्थान पर उल्लेख है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका नामक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंधियाच दयाल कृत राठौराणी ख्यात में मिलता है जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है, ठीक है। इसमें मेन आप ये देख लीजिएगा, दोनों का जो पुस्तक है, जयचंद प्रकाश जिसके लेखक हैं भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका इसके हैं मधुकर कवि, और दोनों ही किसके बारे में लिखी गई हैं, जयचंद के बारे में, ठीक है। इससे इतना ही पूछते हैं, एक बार सुन लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी पूछ लिया जाएगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवाड़ों यानी राठौरों का विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत आता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग में था, ठीक है। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे, है ना। कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमार्दिदेव यानी परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान राजा पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे, ठीक है। ये जानकारी आपको मिल गई है, इसमें ध्यान ये रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। गहरवार के राजा काशीराज कहलाते थे और दूसरा ये याद रखिएगा कि पृथ्वीराज जो थे उनकी राजधानी दिल्ली थी, उनका प्रभाव राजपुताने राजाओं पर अधिक था और जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है पर सुन के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। अब बात करते हैं जगनिक की। संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कलिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के का एक भाट था जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल मतलब उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था जो कि इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसने वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में और विशेषता उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित हिंदी गीत भाषा भाषी प्रांतों के गांव गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांवों में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हे ढोल बजाकर गंभीर घोष के साथ
ये वीर हुंकार सुनाई देगी। अभी याद रखिएगा यहाँ पर जगने का नाम आलाखंड के लिए, और आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे ये लाइनें दी हैं, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे को जीवन दितकार। इस तरह से ये आज भी उत्तर भारत के गांव में गाए जाते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्प पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। बहुत से नए अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक किरिच, देशों की जातियों जैसे फिरंगी ना के नाम भी सम्मिलित हो गए और बराबर होते आए हैं। जिसने अपना जिस ढंग से गाया तो उसमें शस्त्रों के और विभिन्न देश और जातियों के नाम बदलकर उसको गाना शुरू कर दिया। यदि ये ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच यों इसकी गूंज बनी रही। पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। मतलब जो इसका मूल था, मूल रूप में क्या ये रहा होगा इसका आभास मात्र भी नहीं हो सकता, ये इसकी गूंज मात्र है। आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आल्हा का केंद्र बैसवाड़ा माना जाता है, ये वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है ना। दो जगह, बैसवाड़ा और बुंदेलखंड के में विशेषता महोबे के आसपास इसका। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हाखंड संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत आते थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे, परमाल यानी परमार्द देव के सामंत थे, ये चीज याद रखिएगा, और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हाखंड के नाम से छपा है। फरखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। ये नाम याद रखिएगा कि आल्हाखंड का पहले फरखाबाद के तत्कालीन गवर्नर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने इन गीतों का संग्रह कराया था। विशेष ध्यान देने वाली बात है ये। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर और रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे गया है, दिया गया है, ढमढमई ढमढमकार ढंकर ढोल ढोल जंगियां, सुर करही रण सह रणाई समुहरी सरस रसि समरंगियां, कल कल ही काल काहल कोडी कल रवि कुमार कायर थर हरई संचरई सक सुर ताण साहण साहसी सब संग रही। ठीक है, ये पंक्तियां याद रखिएगा, रणमल छंद की हैं और रचयिता श्रीधर हैं। पूछी जा सकती हैं ये ढमढमई ढमढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगियां। अब इसके बाद इसके संदर्भ ग्रंथ दिए हुए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ फुटकर कविताओं की बात करेंगे। आज का वीडियो मैं इतना ही बड़ा रख रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आज आप बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स बराबर आते रहते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अपने से जोड़े रखिएगा और बताते रहिएगा। आप जो भी बात कह रहे हैं, जिस पे भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, सब मैं लिस्ट बनाती जा रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी उन्हें प्रोवाइड कराने की। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।